दुनिया के अंदर या देश के अंदर महानगर पालिका को बदनाम करके रखा है। चाहे कचरा रहो, चाहे पानी रहो, लोगों की सुविधा रहो, इसमें पूरी महानगर पालिका बदनाम करके रखी है। और लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि जो लोग सत्ता में हैं उनको बाजू में रखने का है, और जो महाविकास आघाड़ी में अभी अभी वहाँ सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, तो कांग्रेस के लोगों को वहाँ बिठाने का लोगों का मन बना लिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि किसी हालत में ये कॉरपोरेशन जो है तो कांग्रेस के ताबे में देने का तय कर लिया है। आप जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के महानगर पालिका के सत्ताधारियों पर, शिवसेना 20 से 25 से 30 साल से वहाँ पर सत्ता में है, क्या वो भ्रष्टाचारी है क्या फिर जो? मैं भ्रष्टाचारी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं महानगर पालिका जो बदनामी हुई है, मैं कचरे के बारे में बात कर रहा हूँ कि आज भी कचरे का क्या निकाल लगाया है उन्होंने, क्या कचरे का इंतजाम किया है। आज भी वो जो प्रश्न खड़ा है वो वैसा कि वैसा ही। पीने के पानी के बारे में जायकवाड़ी पूरा भरने के बावजूद भी आज भी 8 दिन के बाद, 6 दिन के बाद पानी मिल रहा है। टैक्स बराबर ले रहे, टैक्स बराबर 1 साल का 365 दिन का टैक्स ले रहे, लेकिन पानी 8 दिन के बाद दे रहे, ये कहाँ का न्याय हो गया भाई? तो ये जो बातें हैं रोड की, आप देखो रोड दो दो तीन तीन फीट के खड्डे हैं रोड के, तो कौन सी जगहों पे काम किया है? कोई भी जगहों पे उन्होंने काम नहीं किया। महानगर पालिका पूरी बदनाम करके छोड़ी है, इसके लिए लोग तय कर रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया है कि भाई इनको बाजू में हटा देने का है। और जो कांग्रेस पार्टी है, जो सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, उस पार्टी को आगे लाने का ऐसा लोगों का तय हो गया है। तो कांग्रेस ने ऐसे क्या कर दिया 5 सालों में? तो कांग्रेस को वोट देना शहरवासियों ने, ऐसा क्या काम कर दिया जहां आपने? तक कांग्रेस का सवाल है, हमारे 11 नगरसेवक थे, जहां जहां भी आवाज उठाने का काम हमको मिला, जहां मौका मिला हमने आवाज उठाने का काम किया है। चाहे कारपोरेशन के खिलाफ में, आपको पता होगा ये काला मोर्चा निकाला था हमने, काला मोर्चा निकाला था, यो काला मोर्चा कचरे के खिलाफ था, लेकिन मोर्चा निकाले, उसके बाद में एजिटेशन किए, उसके बाद में कई निवेदन दिए, लेकिन वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो गेंडे के चमड़ी के लोग हैं, उनको कुछ भी असर हुआ नहीं है। अभी मतदान के जरिए से उनको हम असर करके दिखाएंगे। सर जी, मेरा सवाल यह है आपसे, अभी कुछ महीनों में महानगर पालिका के सार्वजनिक चुनाव है, कांग्रेस की ओर से तैयारियां जारी है, फॉर्म इच्छुकों के बांटना शुरू कर दी है, अभी तक के कितने फॉर्म गए? ये अभी औरंगाबाद महानगर पालिका का 2020 में चुनाव होने जा रहा है, और उसके लिए कांग्रेस की पूरी तैयारी चल रही है। हमने 12 तारीख से, तो आज 17 तारीख है, तो आज 31 फॉर्म आज तक गए हैं, हमें 31 फॉर्म अभी तक गए हैं। और रही दूसरी बात आघाड़ी की, तो 8 दिन पहले शिवसेना के कुछ लोग, कुछ कांग्रेस के हम और कुछ राष्ट्रवादी के, ऐसे मिला के एक बैठक हो गई, प्राइमरी स्टेज पे बैठक हो गई, उसमें निर्णय कुछ भी नहीं हुआ। उसमें खाली बस जिसके सीट जिन्होंने 2015 में चुन के आए हैं वो सीट वो जगह वही पार्टी लड़ेंगी, इतना ही उसमें तय हो गया। बाद में रह गया हमारा जगह लड़ाने का सवाल, तो हमने 50% 50% जगह मांग की हमने, और वो हमको मिलना चाहिए। और निश्चित स्वरूप से आगाड़ी का अभी तक कुछ तय हुआ नहीं है। जो हाई कमांड के लोग हैं हमारे, बाला साहब थोरात रहेंगे, चाहे अशोक चौहान साहब रहेंगे, और भी कुछ नेता लोग रहेंगे, वो जो तय करेंगे। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई महाअघाड़ी की तरफ से अपने को चुनाव लड़ना है, तो उनका आदेश हमको मान्य रहेगा और उनके आदेश के जरिए से चुनाव लड़ा जाएगा। हमको जो इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी को महाअघाड़ी में 45 सीटें दी जाने वाली है, इस पर क्या बोलना है आपका? नहीं, वो क्या बोले उससे मेरे को कुछ मतलब नहीं। मैं कांग्रेस के शहर का जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं मेरे पार्टी को
कांग्रेस पार्टी को मेरे को 50% सीट मिलना चाहिए, मेरी नेशनल पार्टी है और उसकी वजह से हमको 50% सीट मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर औरंगाबाद शहर में कांग्रेस का एक भी आमदार नहीं है, 11 सिर्फ नगर सेवक थे लास्ट टाइम, और इतनी ताकत है भी नहीं। और मुस्लिम बहुल वार्ड में पहले आपकी ताकत थी, वो तो अभी MIM के तरफ चले गया है, वो एक गट्ठा वोट, तो आप इससे कैसा ये करेंगे मुकाबला? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार आया है और इसके वजह से लोगों का सोचना तरीका बदल गया है। और जो MIM की बात आपने कही है, MIM रहो चाहे भाजपा रहो चाहे और उनके साथीदार रहो, उन्होंने 5 साल में जो महानगरपालिका की हालत खराब करके